पर मेरा नाम है सैफ खान, आपका स्वागत है मेरे चैनल अपना में। तो मैं आज बात करूंगा, सर्कस मूवी का ट्रेलर आ चुका है, आज 2 दिसंबर है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि ये मूवी सिर्फ एवरेज मूवी होगी, क्योंकि मुझे इस 3 मिनट के ट्रेलर को देखने के बाद इसमें सिर्फ एक बार शायद मुझे हंसी आई होगी, वो भी सिर्फ जॉनी लीवर की एंट्री पे। और कुछ भी इस मूवी में अच्छा नहीं है। रणवीर सिंह इसमें आपको दिखेंगे, और इसमें आपको जैकलिन फर्नांडेज, पूजा हेगड़े, संजय मिश्रा, आपको इसमें बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे, वरुण वरुण शर्मा, हर एक बेहतरीन बेहतरीन जो कॉमेडी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। बट जब इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट नहीं है, इतने अच्छे डायलॉग डिलीवरी नहीं है, तो मज़ा नहीं आता है। अब संजय मिश्रा की वही कॉमेडी जो वो सेम करते हैं, वही दिखाते हैं, उनका बोली का स्टाइल वही चीज़ जो उन पर सूट भी करता है। बट रणवीर सिंह करते हैं ऐसे सर्कस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें ये चीज़ समझ में आ गया है इस ट्रेलर में कि इसमें डबल रोल हैं, क्योंकि इसका ट्रीजर जब आया सबके डबल डबल रोल दिखाए गए थे। और 60s की स्टोरी दिखाई जाएगी, मतलब 1960 की उस टाइप का सेट दिखाया जाएगा। तो फुल VFX, मतलब जो दिखाया गया ट्रेलर में फुल VFX यूज़ किया गया है, कुछ भी ओरिजिनल ऐसा नहीं है जो दिखाना चाहे। काफ़ी अच्छा लग रहा देखने से, बट मुझे स्टोरी इतनी दिलचस्प नहीं लग रही है। कॉमेडी दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन इतनी अच्छी कॉमेडी मुझे नहीं, मुझे कोई भी सीन में मज़ा नहीं आया इस सर्कस के ट्रेलर में, 3 मिनट के भी ट्रेलर में, जिसमें मैं कुछ भी मुझे 1% मज़ा नहीं आया, सिर्फ जॉनी लीवर की एंट्री पे। और रणवीर सिंह को इसमें, एक जो रणवीर सिंह है उसको इलेक्ट्रिक मैन कहा गया, जो उसको नहीं शौक नहीं लगता, तो उसके पास ये एक पावर है, तो वो चीज़ दिखा के थोड़ा कॉमेडी दिखाई गई है। और सबका डबल रोल है, तो मिक्स एंड मैच ट्विस्ट बहुत होंगे, मतलब एक दूसरे को, वो वहाँ गया तो उसको समझ में नहीं आया, तो काफ़ी गड़बड़ झाला स्टोरी दिखाई गई है। तो यही, इसी में हंसी अगर आई तो भाई, वरना कोई बात नहीं। तो मुझे नहीं समझ में आई स्टोरी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया देखने में इस ट्रेलर को। मूवी कैसी होगी वो पता नहीं, लेकिन 3 मिनट का ट्रेलर नहीं बनाना चाहिए था, इतना बड़ा ट्रेलर क्यों बनाते हो भाई। और पूरा यूनिवर्स दिखा, क्योंकि इन्होंने रोहित शेट्टी मूवी है, इनकी सारी मूवी जैसे गोलमाल है, ऑल द बेस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो सारे वही एक्टर्स हैं इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। और 2 करेक्टर नए हैं, पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस, जिनकी एंट्री नई हुई है। और अजय देवगन का भी इसमें कैमियो आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में गोलमाल का मोहनदास आश्रम दिखाया गया है, तो उनके नाम ले जाते हैं माधव, लक्ष्मण, लक्की, तो ये चीज़ें हैं। तो गोलमाल को भी इसमें दिखा दिया गया है, अब गोलमाल 5 भी आने वाली है, तो देखते हैं। लेकिन ये मूवी मुझे लग रहा है ये जैसे ही एवरेज मूवी जाएगी, ज़्यादा खास नहीं जाएगी। 25 दिसंबर को आने वाली मूवी, तो मुझे ट्रेलर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मतलब कॉमेडी आई ही नहीं, देख के हंसी नहीं आई। तो आपकी क्या राय प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, आपको कैसा लगा सर का ट्रेलर, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।